हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आप सभी का आज के मेरे क्लास में स्वागत है। और आज का मेरा क्लास है क्लास 11th का फिजिक्स हिंदी मीडियम। आप लोग को निश्चित रूप से मुझसे बहुत शिकायत होगी 11th के स्टूडेंट्स लोग को, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद मैं 11th क्लास का फिजिक्स का आपको वीडियो दे रहा हूँ। एक्चुअली अभी सिचुएशन ऐसा है कि 11th क्लास का कहीं एग्ज़ाम हुआ नहीं, पूरे स्टेट में पूरे कंट्री में सभी बोर्ड ने 11th क्लास को जनरल प्रमोशन कर दिया और पूरा एक पढ़ने का जो फ्लो था वो ख़त्म हो गया। मैं 12th क्लास पर भी फोकस हो गया या नीट के एग्ज़ाम वगैरह के लिए पढ़ाने लगा। तो 11th क्लास का तो अभी साल तो आपका जनरल प्रमोशन हो गया, आप 12th क्लास में चले गए हैं जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपका 11th क्लास का पोर्शन एक बार अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि कल के लिए आप जब नीट का या IIT JEE का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आपको जनरल प्रमोशन मिल गया था या आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। वहाँ तो आपको नीट और IIT के लेवल पर करना ही होगा। तो अब मैं आगे कंटिन्यूस इसको करूँगा, इस वीडियो को, और सिलेबस कंप्लीट करूँगा। तो एक बार आप सभी इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए फ्यूचर को ध्यान में रख के, हालाँकि आप 12th क्लास में प्रमोट हो गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th क्लास के बाद 11th, वो भी जनरल प्रमोशन मिल गया है। 10th बोर्ड भी पूरे स्टेट बोर्ड ने, CBSE सब ने एक तरह से पास कर दिया आपको। वो जो 11th के स्टूडेंट हैं जो अभी 11th मूव हुए हैं 10th से, उनको लिए मेरा सजेशन है कि आप मेरे इस चैनल के स्टार्टिंग से वीडियो, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, दोनों का सेपरेट सेपरेट वीडियो हैं, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और आप अपनी पढ़ाई फिजिक्स से नहीं, मूलभूत गणितीय अवधारणा से आप पढ़ना शुरू करना। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए बिल्कुल सेपरेट वीडियो है। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के भी मैंने दोनों लैंग्वेज पर अलग अलग वीडियो बनाया है, तो वहाँ से आप स्टडी करिए। तो 10th से 11th गए स्टूडेंट आप शुरू से पढ़ाई शुरू करिए, धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचिए और उसको कंटिन्यूस करिए, मैं आपके साथ कंटिन्यूस करूँगा। और जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं जो 12th में पहुँचे हैं, जिनका जनरल प्रमोशन मिल गया, वो पास हो गए, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक बार सभी चैप्टर को बेसिक्स आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देख लीजिए, ताकि आपको आफ्टर 12th क्लास जब नीट के एग्ज़ाम में या NDA के एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT JEE के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो प्रॉब्लम ना हो। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट का मेरा आज का टॉपिक है, थर्ड पार्ट है, दो पार्ट मैंने बनाया था। एक्चुअल में 11th क्लास का वीडियो इसीलिए स्लो हो गया, बहुत से स्टूडेंट लोग को शिकायत है कि सर आप डाल नहीं रहे। एक्चुअली पूरे कंट्री में मैं देखा, सब स्टेट बोर्ड को देखा, CBSE बोर्ड को देखा, 11th क्लास का एग्ज़ाम ऐसी हो गया, तो थोड़ा मैं 11th क्लास के लिए वीडियोस कम डाला, लेकिन अभी वो कंटिन्यूस उसको कोर्स पूरा करूँगा। ओके, चलिए देखिए। तो उपग्रहों की गति में फर्स्ट और सेकंड पार्ट को आपने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो इस पार्ट के पहले, चूँकि थर्ड पार्ट है, तो आप सभी को मेरा सजेशन है कि इस वीडियो से पहले आप इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बेसिक चीज़ आपको वहीं से मिलेगा। मैंने आपको वहाँ पर बताया सैटेलाइट क्या है, कक्षी चाल क्या है, पलायन वेग क्या है, उपग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह का आवर्तकाल होता है, उपग्रहों से संबंधित पूरे बेसिक्स हो गए हैं। थोड़ा सा टॉपिक बस बचा था जो आज कंप्लीट हो जाएगा, ये उपग्रहों के गति का लास्ट पार्ट है। यहाँ पर मैं आज आपको उपग्रह के प्रकार बताऊँगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर उपग्रहों के प्रकार, उपग्रह कितने प्रकार के हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग जो उपग्रह यूज़ करते हैं अभी, वो दो प्रकार का उपग्रह यूज़ करते हैं। पहला हमारा उपग्रह है भू स्थाई, भू स्थाई उपग्रह, इसको जियो स्टेशनरी, इंग्लिश में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है, या सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहा जाता है। क्लियर, भू स्थाई का मतलब होता है जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हो। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो भू स्थाई उपग्रह के बारे में हम सबसे पहले पढ़ें। बस आज का जो मेरा क्लास है, छोटे छोटे टॉपिक कुछ बचे हुए हैं उन्हीं पर है। देखो भू स्थाई उपग्रह में सपोज सपोज ये हमारी पृथ्वी है। क्लियर, ये हमारी पृथ्वी है जो कलर आपको सुटेबल दिखे, हमारी पृथ्वी नीला ग्रह बोलते हैं अपन, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है
और पृथ्वी में सपोज कोई जगह है, सपोज ये हमारा कंट्री है, इंडिया है, एक्चुअल में भू स्थाई उपग्रह, नाम से क्लियर है, भू स्थाई मतलब पृथ्वी के सापेक्ष क्या हो, जो स्थिर हो, इस सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम को संचालित करने के लिए। जैसे आप मेरे क्लास को देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, हम मोबाइल से बात कर पा रहे हैं, सब किसके कारण पॉसिबल हो रहा है, सैटेलाइट के कारण। तो इन सभी कम्युनिकेशन को, संचार प्रणाली को जिस सैटेलाइट की सहायता से हम संचालित करते हैं, वो सैटेलाइट भूस्थाई कहलाता है। भूस्थाई का मतलब होता है वो पृथ्वी के सापेक्ष क्या है, स्थिर है, पृथ्वी के सापेक्ष उसकी स्थिति स्थिर है। किस तरह से होता है, देखो मान लो यहाँ पर इमेजिन करो कि हमारा कोई सैटेलाइट है, ये सपोज हमारा सैटेलाइट है, ये मैंने मान लो ये हमारा कोई सैटेलाइट है यहाँ पर। अब इसका पृथ्वी के सापेक्ष क्या स्थिति स्थिर रहेगा, कब स्थिर रहेगा, हमको मालूम है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या हो रहा है, घूम रही है, और सैटेलाइट भी क्या हो रहा है, इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। अब दोनों के स्पीड को, दोनों के चाल को या दोनों के आवर्तकाल को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाए कि इसका इसके सापेक्ष जो दूरी है, इसके सापेक्ष जो स्थिति है, वो नियत बने लगे बना रहे। मतलब इंडिया यहाँ पहुँचे तो हमारा सैटेलाइट भी यहाँ पहुँचे, जब हम यहाँ पहुँचे तब हमारा सैटेलाइट यहाँ पर पहुँचे। इस तरह से क्या होता है, दोनों को, दोनों के परिक्रमण काल को समान किया जाता है, तब वो बन जाता है भूस्थायी उपग्रह। क्योंकि देखो दो चीज़ सापेक्ष, मतलब एक्चुअल में उनका जो आपेक्षिक वेग है क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। आपेक्षिक वेग जीरो हो जाता है माने दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो जाते हैं। जैसे आप साइकिल में दो लोग या बाइक में दो लोग जा रहे हो और आप में बगल में आपका फ्रेंड उतने समय में उतनी दूरी तय कर रहा है, तो आप दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर बने रहते हो और अगल बगल बात करते हुए आप कई किलोमीटर तक जा सकते हो। एग्जैक्ट वही कंडीशन होता है, अर्थ जब रोटेट होता है तो हमारा सैटेलाइट भी क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से रोटेट होता है कि वह उसकी स्थिति नियत बने रहती है। ये कम्युनिकेशन के सिस्टम में किस लिए काम आता है, क्योंकि देखो मान लो यहाँ से हम कोई इंडिया में कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं या मोबाइल सर्विस, तो इसका वेव्स यहीं आना चाहिए, यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ पर आना चाहिए। यदि हमारी स्थिति नियत नहीं बने रहेगी तो कम्युनिकेशन सिस्टम को हम संचालित नहीं कर पाएंगे, और ये जो भूस्थायी उपग्रह होता है उसको क्या है, हम रोटेट करते हैं किसके सापेक्ष, भूमध्य रेखा के सापेक्ष, भूस्थायी भूमध्य रेखा के सापेक्ष, भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग क्या कहता है, उसको रिवॉल्व किया जाता है, घुमाया जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है टी, वो 24 आवर होता है। 24 आवर क्यों होगा, क्योंकि 24 घंटे में हम भी अपने अक्ष पर एक बार कंप्लीट अपना परिक्रमण पूरा करते हैं, तो हमारा सैटेलाइट भी 24 घंटे में एक परिक्रमण पूरा करेगा, तो हमारी दूरी क्या होगी, नियत बने रहेगी। क्लियर, ये बात को ध्यान में रखना। और इसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा वेस्ट टू वेस्ट ईस्ट होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है, इस डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना। कई बार कॉम्पिटिटिव में इसको पूछा गया है कि इसका रिवॉल्यूशन का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, पूर्व से पश्चिम होता है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व होता है, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है इसका हाइट का कैलकुलेशन, कि भाई इसकी ऊंचाई कितनी होती है, कितनी ऊंचाई पर इसको हम छोड़ते हैं। तो कैलकुलेशन इसका उतना पूरा कैलकुलेशन पर आपको नहीं जाना है, मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको कैलकुलेट करना है। देखो हाइट कैलकुलेट करने के लिए इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम है उसके बेस पर इसमें डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4π² इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, 1/3 माइनस अर्थ का रेडियस। ये रेडियस को जब हम इसमें से घटाते हैं, ये पूरा वैल्यू को पुटअप को कोई मतलब नहीं, उसका कैलकुलेशन का आपको वो सब नहीं करना है। इसका हाइट कैलकुलेटेड है, ये होता है लगभग 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर के आसपास होता है। पृथ्वी की त्रिज्या जो कि 6400 किलोमीटर होता है, पृथ्वी की त्रिज्या को हम कितना मानते हैं, 6400 किलोमीटर, इसको जब इस वैल्यू से घटाया जाता है तो नियर अबाउट 36,000 किलोमीटर के आसपास आता है, 35,900 कुछ समथिंग आता है, जिसको हम 36,000 मान के चलते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर होता है। दो बात ध्यान में रखना, इसका रिवॉल्यूशन टाइम 24 आवर होता है, और इसका जो हाइट होता है 36,000 किलोमीटर होता है, और इसके घूर्णन का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। क्लियर, पश्चिम से पूर्व होता है, पश्चिम से पूर्व होता है, क्योंकि हमको मालूम है कि पश्चिम के पूर्व से पूर्व की ओर पृथ्वी का भी रिवॉल्यूशन होता है, हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, सूर्योदय पूर्व में होता है। तो जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में सैटेलाइट को भी, यदि अर्थ का डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व है और सैटेलाइट को आप पूर्व से पश्चिम कर दोगे तब तो दोनों उल्टा हो जाएंगे,
दो चीज़ों को आपको घुमाना है कि सापेक्ष एक, तो दोनों का रिवॉल्यूशन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये इससे बेसिक कुछ जानकारी है, ये ध्यान में रखना। और भूस्थायी उपग्रह का मुख्य उपयोग क्या है, इसका उपयोग है संचार। इसको संचार उपग्रह भी कहा जाता है, इसको संचार उपग्रह भी कहा जाता है, ये कहलाता है भूस्थायी उपग्रह। इतनी बेसिक जानकारी बस इसमें आपको जानना है और उसमें कुछ नहीं जानना है, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी चीज़ तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरा जो हमारा उपग्रह है वो है ध्रुवी, ध्रुवी उपग्रह पोलर सैटेलाइट। थोड़ा सा पोर्शन बचा था बस इस चैप्टर का, उसके बाद मैंने बहुत लंबे समय तक इसमें वीडियो डाला नहीं, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर को, ये वाला वीडियो देखने से पहले आप इसके पहले दूसरे पार्ट को जरूर देख लेंगे। पोलर सैटेलाइट क्या होता है? पोलर सैटेलाइट में देखो, हमारी पृथ्वी, सपोज ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर जो सैटेलाइट है, यदि उसको पोल के अकॉर्डिंग, आपको पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यदि हम इस कक्षा में उसको घुमाएं तो ये पोलर सैटेलाइट कहलाता है। पोलर सैटेलाइट को इस तरह से हम रिवॉल्व करते हैं पोल के अकॉर्डिंग, ध्रुव के सापेक्ष, तो ये पोलर सैटेलाइट कहलाता है। ये इसका घूर्णन अक्ष है जहाँ पर आप देख रहे हो, इस तरह से इसका कोई डायरेक्शन नहीं, इधर से भी घुमा सकते हैं, इधर से भी घुमा सकते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, तो ध्रुवी उपग्रह की सहायता से क्या किया जाता है, हम अपने बॉर्डर की, अपने देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, है ठीक है। आर्मी पर्सनल लोग उसको यूज़ करते हैं, कहीं पर बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, तो उसके मॉनिटरिंग के लिए, सुपरविज़न के लिए हम इसका उपयोग करते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू। रिमोट सेंसिंग के थ्रू क्या है, इसके पोजीशन को चेंज कर करके हम अपने पृथ्वी से चित्र लेते हैं, उसकी सुपरविज़न करते हैं, उसको देखते हैं। तो एक्चुअल में इस उपग्रह का काम क्या है, वास्तव में मॉनिटरिंग करना, सुपरविज़न करना इसका काम है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो रेडियस होता है, जिस रेडियस पर इसको घुमाते हैं, वो रेडियस 400 से 800 के आसपास, मतलब देखो ये क्या है, वेरिएबल है। इस सैटेलाइट को हम ऊपर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, पोजीशन को चेंज कर देते हैं, पोजीशनिंग को चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसका काम ही वही है, भूस्थायी एक जगह स्थायी है, लेकिन पोलर क्या होता है, वेरिएबल पोजीशन पर काम करता है, ठीक है। तो 400 से 800 या कई बुक में आपको 500 से भी मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो 500 से 800 किलोमीटर के रेडियस पर इसको रोटेट कराया जाता है, और बाकी ध्रुव उपग्रह से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ठीक है। तो ये है उपग्रह के दो प्रकार। इसके बाद इस चैप्टर में जो हमको महत्वपूर्ण जो प्रश्न है तैयार करना है, वो है उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति। उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति, कि उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति कैसे बनती है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके स्कूल एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। उपग्रहों में भारहीनता, वेटलेसनेस, वेटलेसनेस कंडीशन ऑफ द सैटेलाइट, वेटलेसनेस कंडीशन ऑफ द सैटेलाइट। इसका मतलब क्या है, देखो, वेटलेसनेस कंडीशन का मतलब सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट का स्वयं का भार होता है, लेकिन सैटेलाइट के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, सैटेलाइट के अंदर जनरली हमारी मशीनरी होती है, सोलर पैनल्स तो बाहर लगे होते हैं, सैटेलाइट के इनर साइड में सुपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं। एक्चुअल में सैटेलाइट तो एक माध्यम है, उसके अंदर में कंप्यूटर लगे होते हैं। भाई जो हम, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो टेलीकास्ट हो रहा है, या आप उसकी रिकॉर्डिंग देख पा रहे हैं, या मोबाइल से हम किसी से बात कर पा रहे हैं, तो इसका बहुत सिस्टम है। आप 12वीं क्लास में संचार इलेक्ट्रॉनिक करके चैप्टर है, 12th के सिलेबस का आखिरी चैप्टर है कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पर पूरे सिस्टम को आप सिस्टमेटिक रूप से पढ़ोगे। तो सैटेलाइट का इसमें रोल क्या है, सैटेलाइट का रोल यह है कि हम जब वेब सैटेलाइट को भेजते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स वहाँ पर यूज़ होते हैं, वो कंप्यूटर विद इन माइक्रोसेकंड, उससे भी बल्कि कम समय में आपके कॉल को किसी के साथ कनेक्ट करना, टेलीकास्टिंग करना, सारा प्रोग्राम वहाँ से होता है, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे। तो सैटेलाइट के अंदर में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेटलेसनेस कंडीशन में होते हैं, मतलब उनका कोई भार नहीं होता। इस बात को हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि भाई उनका भार क्यों नहीं होता, यह कहलाता है उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति। यहाँ पर हम देखें कैसी ऐसी स्थिति होती है,
सपोज ये हमारी पृथ्वी है और हम एक सैटेलाइट इमेजिन कर लेते हैं, ये सपोज कोई सैटेलाइट है, ठीक है। तो सैटेलाइट का मास सपोज स्मॉल एम है, हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान को हमने कैपिटल एम मान लिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस को हमने स्मॉल आर सपोज कर लिया। तो यहाँ पर ये मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, यहाँ पर जो फोर्स लगता है जिसको हम अभिकेंद्र बल बोलते हैं, एम वी स्क्वायर अपन आर, पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा है जब हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको पढ़ाया कक्षी चार कि कोई भी सैटेलाइट क्यों घूमता है, क्योंकि उसमें जो सेंट्रीपेटल मतलब अभिकेंद्र बल जो लगता है वही अभिकेंद्र बल क्या होता है, गुरुत्वीय बल के द्वारा बैलेंस होता है। तो गुरुत्वीय बल यहाँ पर क्या हो जाता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर। तो सैटेलाइट पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है इतना होता है। अभी हम सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों साइड से स्मॉल एम को कैंसिल करा दो, आर को मत कराओ उसका जरूरत पड़ेगा, तो वी स्क्वायर अपान आर इक्वल टू हमको मिल जाएगा जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर। दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर इमेजिन करो कि इसके अंदर में कोई वस्तु रखा है, मान लो ये जो मैंने रेड कलर से कोई ऑब्जेक्ट बताया इसका मास सपोज एम डैश है। तो जब किसी जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमारा जो भार है उसके विपरीत क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल लगता है, आपको मालूम है। तो सैटेलाइट के अंदर जो वस्तु है उस पर प्रतिक्रिया बल लगेगा आर ऊपर की ओर और अभिकेंद्र बल लगेगा नीचे की ओर। अब हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट पर उपस्थित वस्तु पर, ठीक है, उपग्रह के अंदर। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना, कई बार स्टूडेंट हम इस कॉन्सेप्शन में फंस जाते हैं कि वो समझते हैं उपग्रहों में भारहीनता, उपग्रहों में भारहीनता, ना कि उपग्रहों की भारहीनता। उपग्रहों की भारहीनता नहीं होती, उपग्रह का भार है, उपग्रहों के अंदर भारहीनता की स्थिति बनती है। ये डिफरेंस को समझना, नहीं तो आपके दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन गलत कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि उपग्रह भारहीनता की स्थिति में होती है। उपग्रह के अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट बताया वो भारहीनता की स्थिति, यदि आप उपग्रह के अंदर आप बैठ जाओ तो आप उपग्रह के अंदर भारहीनता की स्थिति में रहोगे। वो क्यों होता है देखो, तो उपग्रह के अंदर में जो कंडीशन बनेगा किसी वस्तु पर वो किस तरह से बनेगा, यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल होगा, यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल होगा आप देखो वो क्या हो जाएगा, ये एम डैश, अब उसका हमने मास को एम डैश ले लिया तो एम डैश वी स्क्वायर अपान आर होगा, दैट इक्वल। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है पृथ्वी के द्वारा वो तो लगेगा ही, तो कितना लगेगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर। लेकिन अब चूंकि इसमें प्रतिक्रिया बल लग रहा है जो कि अभिकेंद्र बल के क्या है, जस्ट अपोजिट है, तो इसको हम इसमें माइनस कर देंगे आर, जो कि प्रतिक्रिया बल है। सैटेलाइट पर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा था क्योंकि सैटेलाइट किसी के ऊपर नहीं रखा हुआ है, तो सैटेलाइट पर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा है। लेकिन सैटेलाइट के अंदर कोई चीज़ रखा हुआ है, जैसे मैं पृथ्वी में खड़ा हूँ तो पृथ्वी पर खड़ा हूँ इसलिए पृथ्वी पर मैं भार आरोपित कर रहा हूँ और मेरे ऊपर प्रतिक्रिया बल लग रहा है। उसी प्रकार से सैटेलाइट के अंदर जो वस्तु होता है उसका भार तो पृथ्वी की तरफ होता है लेकिन उसका प्रतिक्रिया बल लंबवत ऊपर की ओर होता है, इसलिए हम इसको इससे माइनस किए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर दैट इम्प्लाइज इसको सॉल्व करने से क्या होगा, यहाँ पर जो वी स्क्वायर अपन आर का वैल्यू हम निकाल कर रखे हैं जी एम अपन आर स्क्वायर, यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपन आर को यहाँ से पुट कर रहा हूँ तो जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर, और ये जो एम डैश है ये तो बचा रहेगा एम डैश, और इक्वल हो जाएगा ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर। यहाँ पर डैश होगा ध्यान रखना ना, क्योंकि हम यहाँ पर ये अंदर की वस्तु पर बात कर रहे हैं, माइनस आर ये होगा। अब दोनों साइड से देखो, दोनों साइड से हम देखें तो क्या हमको दिख रहा है, ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और दे आर फोर, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं दे आर फोर आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाएगा और प्रतिक्रिया बल ही क्या होता है, भार के बराबर होता है, तो उस पिंड का भार शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से सैटेलाइट के अंदर में जो वस्तु रहेगा वो भारहीनता की स्थिति महसूस करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार स्कूल में जब एग्जाम में टीचर्स पूछते हैं कि उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति को समझाइए या उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति क्या है, तो एक छोटा सा 2 नंबर 3 नंबर के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। और स्कूल एग्जाम की बात हम छोड़ें तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से या नॉलेज कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपग्रहों के अंदर कोई भी वस्तु भारहीनता की स्थिति में होता है। ओके, ये हो गया भारहीनता की स्थिति। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और सबसे एक्चुअल में ग्रेविटेशन और सैटेलाइट का जो चैप्टर है, उपग्रह
और गुरुत्वाकर्षण दोनों कंबाइंड कॉन्सेप्ट हैं, इनको दो चैप्टर नहीं मानना चाहिए, वास्तव में दोनों मिला के एक चैप्टर होते हैं। तो मैंने ग्रेविटेशन इसके पहले पढ़ाया था, इसके बाद सैटेलाइट दो पार्ट में पढ़ाया, आपको स्टडीज़ को कंबाइंड करना चाहिए। तो केपलर के ग्रहों संबंधी जो नियम है, केपलर के ग्रहों का जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको या तो आप सैटेलाइट के चैप्टर में पढ़ो तो भी ठीक है, या ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ो तो भी ठीक है। तो यहाँ मैं चूँकि ग्रहों संबंधी नियम है, मैं यहाँ पर आपको उसको पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केपलर का नियम। अब ग्रहों संबंधी आप लिख लेना, केपलर का नियम कहना भी पर्याप्त है, बहुत फेमस रूल है केपलर का, इसी से सब चीज डिसाइड हो रहा है आज के डेट में कौन ग्रह उपग्रह। केपलर का नियम, केपलर का ग्रहों के गति संबंधी नियम क्या होता है, देखो सबसे पहले हम ये देखें कि केपलर ने जो नियम बताया वो नियम में एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया, दीर्घवृत्त, इलिप्स। तो आपको दीर्घवृत्त के बारे में पता होना चाहिए, कई बार स्टूडेंट वहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि भाई ये दीर्घवृत्त क्या होता है। तो नियम समझाने के साथ पहले मैं आपको दीर्घवृत्त बताता हूँ। दीर्घवृत्त या इलिप्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलिप्स, ये होता क्या है, ये एक्चुअल में कॉनिक सेक्शन है। जिन लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन लोग 11वीं क्लास में गणित में पढ़ेंगे शंकु परिच्छेद। तो यहाँ पर दीर्घवृत्त का, दीर्घवृत्त एक प्रकार की आकृति है, जैसे गोला होता है, त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, घन घनाभ होते हैं, उसी तरह से ज्यामिति में आकृति होती है जिसको हम दीर्घवृत्त कहते हैं। और दीर्घवृत्त की आकृति इस तरह से होता है, ऐसा मतलब यदि हम सर्कल को थोड़ा सा दबा दें, सर्कल को थोड़ा सा ऐसा दबा दें तो जो आकृति बनेगा, लगभग एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं बना, तो इस तरह से होता है। इसके दो फोकस होते हैं, एक फोकस S1A कहलाता है, दूसरा फोकस S2A कहलाता है। अब बता रहा हूँ तो इसका इक्वेशन भी बता देता हूँ। दीर्घवृत्त का इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² = 1। ये क्या होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, क्लियर। तो दीर्घवृत्त के इस समीकरण कभी कई जगह यूज होता है, ध्यान में रखना आप लोग। तो यहाँ पर मैं इसको इसलिए बताया कि केपलर ने अपने ग्रहों के गति संबंधी जो नियम बताया उसमें पहले नियम में यही बात बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सब क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। ओके, दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर नियम, पहला नियम, नियम फर्स्ट, ये एक चित्र बना दूं और चित्र की सहायता से ही मैं आपको इसको समझा रहा हूं। देखिए इस तरह से यहां पर एक फोकस में सन का पोजीशन है, आप इमेजिन करो कि इसके एक फोकस पे ये सन है, ये सन का पोजीशन है। और केपलर ने बताया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है। हम अपनी पृथ्वी का ही एग्जांपल लेके चलें तो सपोज ये पृथ्वी का स्थिति है, तो क्या है, हमारी पृथ्वी की स्थिति है, ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या है, उसकी स्थिति है। तो ये इसका जो पथ होगा वह दीर्घवृत्ताकार होगा और सूर्य उसके एक फोकस पर स्थित होता है। मैंने बताया यहाँ पर एक फोकस, यहाँ पर दूसरा फोकस होता है। तो पहला नियम क्या हुआ, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा सूर्य उसके एक फोकस पर स्थित होता है। तो यहाँ पर आपको वर्ड टू वर्ड पहले नियम को याद करना है, ये पहला नियम हो गया। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा नियम, देखो दूसरा नियम में क्या केपलर ने बताया कि सपोज ये जो ग्रह है उसकी स्थिति अभी ये है, इस स्थिति पर है, टी समय पश्चात ये ग्रह सपोज यहाँ पहुँच गया, इमेजिन करो कि हमारा ग्रह वहाँ से यहाँ आ गया, पृथ्वी यहाँ पर चली, कितने समय में, टी समय में। अब हमने आगे और स्टडी किया तो टी समय तक, तो हम पाए कि पृथ्वी का पोजीशन अब यहाँ पर है, ठीक है, सपोज ये पृथ्वी का पोजीशन है, कितने समय पर, नेक्स्ट टी समय पर। तो समान समय अंतराल पर जब पृथ्वी के पोजीशन को देखा गया तो क्या पाया गया, ये टी समय पर जो सूर्य के साथ उसका घेरा हुआ क्षेत्रफल है, ये जो मैंने शेडेड किया है ये, और नेक्स्ट टी टाइम पर सूर्य के साथ ही उसका जो घेरा हुआ क्षेत्रफल है ये मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये दोनों आपस में बराबर थे, ये इसका क्षेत्रीय चाल का नियम कहलाता है। मतलब ध्यान से समझना क्या बोला केपलर ने,
कि यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूम रहा हो तो निश्चित समय अंतराल में सूर्य के साथ वह निश्चित मतलब नियत क्षेत्रफल कवर करता है। एक घंटा चलेगा तो मान लो 1000 स्क्वायर मीटर का उसने क्षेत्रफल घेरा, तो फिर एक घंटा चलेगा तो 1000 स्क्वायर मीटर का ही वो क्षेत्रफल घेरेगा। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं कि इसका कक्षीय चाल, इसका जो कक्षीय चाल है वो नियत होता है। यदि हम उसको शॉर्ट लैंग्वेज में बोलें तो कक्षीय चाल किसी भी पिंड का कक्षीय सॉरी पिंड नहीं उपग्रह का कक्षीय चाल क्या होता है, नियत होता है। मतलब इसको हम कह सकते हैं dA/dt, जहाँ पर ये उसका क्षेत्रफल है ये क्या होता है, कांस्टेंट, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो दूसरे नियम में क्या बताया केपलर ने कि किसी भी ग्रह के द्वारा नियत समय में, किसी भी ग्रह के द्वारा नियत समय में सूर्य के साथ घेरा हुआ उसका क्षेत्रफल नियत होता है। मतलब ये वाला क्षेत्रफल जो मैंने रेड कलर से डेट किया है और ये क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण नियम जो गणितीय रूप में है उसमें उन्होंने बताया कि इसका जो परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण काल का कहने का मतलब जितने देर में वह गति करता है उसका जो स्क्वायर है उसका सूर्य के साथ उसकी जो औसत दूरी है उसके त्रिघात के समानुपाती होता है। यहाँ पर r औसत दूरी कैसे, कि जैसे यहाँ पर ग्रह पास में है, यहाँ पर दूर हो गया, फिर दूर हो गया, फिर पास होते जा रहा है, यहाँ तो बहुत करीब हो गया। और इसी कारण आपको पता होगा कि पृथ्वी में सीजन चेंज होता है कि हम सूर्य से जब अधिक दूरी पर होते हैं, मान लो हमारी स्थिति यहाँ है अधिक दूरी पर है, तब क्या होता है विंटर सीजन होता है, मतलब हमारे यहाँ ठंड होता है। और जैसे जैसे हम सूर्य के नज़दीक पहुँचते जाते हैं तो समर सीजन स्टार्ट होता है। जब हम सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं तो गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश और सूर्य का जो एनर्जी है हीट है बहुत तेज़ी से पृथ्वी तक पहुंच जाता है, दूर होते हैं तो ठंड होता है, सब आपको पता है। तो ये है r² ∝ T² ∝ r³। मतलब क्या हुआ इसका कि किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करने पर जो परिक्रमण काल है, जो उसका आवर्त काल है, उसका जो वर्ग है वह सूर्य से उसकी दूरी के त्रिघात के समानुपाती होता है। क्लियर? तो ये है उपग्रहों के, केपलर के उपग्रहों के गति संबंधी नियम। यहाँ पर जो तीसरा नियम है, किसी नियम का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन तीसरे नियम को क्या है, हम न्यूटन के नियम की सहायता से इसको डिराइव कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि केपलर के ग्रहों संबंधी नियम को लिखो तथा तृतीय नियम का व्युत्पत्ति करो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम की सहायता से। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके बाद, ये क्लियर आपको। तो केपलर का नियम कहलाता है, इसको आपको वर्ड टू वर्ड बुक से याद करना है जैसा केपलर ने बोला था। ये तो मैंने केवल एक्सप्लेन किया है, आपको इसके कथन को अपनी पुस्तक से शब्द से। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर यहाँ पर आप कथन को लिख दो, तो यहाँ पर कोई आप 6वीं 7वीं के बच्चे नहीं होंगे, यहाँ पर पूरे कथन को लिखा जाए। वैसे कुछ दिन बाद मैं नोट्स डालूंगा इसका, तो नोट्स में आपको मिलेगा। अभी फिलहाल मैंने 12th का बस डाला है, 11th की प्लानिंग है डालने का, तो वहाँ पर आपको मिलेगा। और फिलहाल आप उसको अपने बुक से रीडिंग कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, यह है न्यूटन के नियम की सहायता से केपलर के किसका कौन से नियम का, थर्ड लॉ का सत्यापन कर सकते हैं कि वो सही है। ये बात हमको पढ़ना है कि किस प्रकार से उसने इसको सत्यापित किया। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये हम जानते हैं कि कोई भी उपग्रह या ग्रह जब किसी के चारों ओर घूमता है तो उसके पास क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है, ये आपको मालूम है। और अभिकेंद्र बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, चूंकि हमको मालूम है कि ग्रहों का जो अभिकेंद्र बल है mv² / r वो बराबर होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो कि होता है g(m)r² देयरफोर यहाँ से हम निकाल लेते हैं v² का वैल्यू। तो v² का वैल्यू निकाल लें, एक r तो यहाँ से कट जाएगा, m भी कट जाएगा, तो v² का वैल्यू क्या हो जाएगा, g(m)r, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको मालूम है कि कोई भी पिंड जब वृत्ति गति करता है या घूर्णी गति करता है, किसी के चारों ओर घूमता है, तो उसमें होता है अभिकेंद्र बल या अभिकेंद्र त्वरण,
ये हमको मालूम है। तो अभिकेंद्र बल जो होता है या अभिकेंद्र त्वरण होता है, दोनों में जो रिलेशन है, रेखी वेग और कोणीय वेग में रिलेशन आपने वृत्ति गति में पढ़ा है, तो होता है वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है, दैट इम्प्लाइज इसको आगे साल्व करें तो वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/T। ओमेगा इक्वल टू 2π/T होता है, क्लियर, ये पता है आपको। यहाँ से हम t को इधर ट्रांसफर कर दें तो दैट इम्प्लाइज t इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफर करें v को, तो हो जाएगा 2πr/v। ये हमने t का वैल्यू निकाल लिया। अब चूंकि हमको थर्ड लॉ को प्रूफ करना है, और थर्ड लॉ क्या है, t² ∝ r³, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का पूर्ण वर्ग कर देते हैं। तो t² इक्वल टू हो जाएगा, पूर्ण वर्ग करेंगे तो 4π² r² / क्या हो जाएगा, ये v², दोनों पक्षों का पूर्ण वर्ग कर दिए। दैट इम्प्लाइज आगे साल्व करें तो t² इक्वल टू, देखो यहाँ पर हमने v² का वैल्यू निकाल के रखा है, देखो ये gm/r², इसके मान को रख देते हैं तो 4π² r² और v² का मान gm/r², तो gm/r ये हो जाएगा दैट इक्वल, आगे इसको आप देखो तो ये लिख देता हूँ 4π² r³, r ऊपर चला जाएगा और अपान जी कैपिटल m। अब इस रिलेशन को आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये इतना क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, उतना क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो उसके कांस्टेंट होने के कारण क्या होगा, इसको हम कांस्टेंट मान लें तो जो t² है वो r³ को क्या होगा, समानुपाती होगा, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी को हम इक्वल के साथ में मर्ज करके समानुपातिक संबंध बना देते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा t² और राइट साइड में r³, तो यह आएगा r³, और यही केपलर का तृतीय नियम है। ये मैंने आपको बताया कि t² जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है r³ के। तो यहाँ से सत्यापन हो जाता है न्यूटन के नियम की सहायता से केपलर के थर्ड लॉ का, क्लियर। तो आज का क्लास में मैंने आपको जो बताया वो सैटेलाइट का बस बचा हुआ पोर्शन था, सैटेलाइट का बचा हुआ पार्ट है ये, सैटेलाइट के पहले और दूसरे पार्ट में उसके पूरा बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं पढ़ा चुका था, जिसमें कक्षीय चाल, ऑर्बिटल वेलोसिटी और पलायन वेग, इसके वेलोसिटी ये दोनों और उसमें रिलेशन, ये सब आप पढ़े थे। तो मेरा आपको सजेशन है कि थोड़ा सा वीडियो में लंबा गैप हो गया, तो आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले या इस टॉपिक को एक बार आप देख भी लो वीडियो को, तो पहले और दूसरे पार्ट को आप ज़रूर देखो, क्योंकि जब तक आप पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखोगे तो उसके साथ में कनेक्ट ये नहीं हो पाएगा। फिर कंटिन्यूस मैं आगे के पार्ट को पढ़ाऊंगा और न्यूमेरिकल्स भी कराने हैं, मुझे सब पता है कि मुझे क्या क्या कराना है, बस थोड़ा सा एग्ज़ाम के सिचुएशन के चेंज होने के कारण ये थोड़ा डिले हो गया, लेकिन आगे मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूस मैं आपको कोर्स को कंप्लीट कर दूं, ताकि आप 11th को कंप्लीट करने के बाद अपने 12th की पढ़ाई में भी लग सकें। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।